लड़की तो वो ससुराल जाएगी, वो घर में काम करेगी, बाहर आएगी नहीं। तो पढ़ी लेकिन आगे स्कूल नहीं थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकी। और दूर स्कूल खातर सोरी पढ़े नहीं, दूर स्कूल माँ बाप भेजे नहीं, क्यों मोटी सोरी और शर्मा जो भेजे नहीं, कौन है स्कूल पढ़ा यूँ पढ़ा आठ तो आगे नहीं पढ़ा सकी। कोई कहता है कि लड़कियों के लिए शिक्षा जरूरी है और कोई कहता है कि पढ़ लिख कर क्या करेगी, उसे शादी करके पराए घर ही तो जाना है, वहां जाकर उसे घर का काम व बच्चों को ही तो संभालना है। क्या एक लड़की का जन्म सिर्फ घर चलाने व हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है? मेरा नाम शर्मिला सोलंकी है, मैं बाड़मेर ज़िले में पढ़ी हूँ। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की तब मेरे ससुराल पक्ष में और पीर पक्ष में दोनों ने ही विरोध किया कि शादी के बाद अब सर्विस की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन मैं पढ़ी लिखी होने के कारण सर्विस करना चाहती थी और पढ़ाई का सदुपयोग करना चाहती थी, इसलिए मैंने सर्विस करने की ठानी। 99 में मेरी सर्विस लगी। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी उठ के 4 बजे उठ के खाना बनाना, फिर 6 बजे की बस से रवाना होना और स्कूल के लिए चलना और स्कूल टाइम पे पहुंचना और स्कूल का सारा वर्क करके फिर वापस घर पे जाते ही सारा घर का काम करना। आज तक मैंने जो भी देखा है तो यही देखा है कि अधिकतर लोग लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना पसंद करते हैं और लड़कियों को कम। लेकिन मैं लड़कियों को गांव में यही संदेश देना चाहूँगी कि लड़कियां भी पढ़े और जागरूक बने। समाज को ये सोचना चाहिए कि महिलाएं को भी आगे लाना चाहिए और उनको पुरुषों के बराबर उनका हक देना चाहिए, उनको पुरुषों के बराबर उनका दर्जा मिलना चाहिए ताकि महिला और पुरुष का जो भेद है वो मिट सके। एक बालक पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, और एक बालिका पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है।